जिसमें धैर्य नहीं होता वो नेता नहीं बन सकता। जो आदमी मरने के लिए तैयार है वो कभी नहीं मरता, और जो मरने से डरता है वो पहले से ही मरा हुआ होता है। कुछ टीचर्स, हमारे जैसे टीचर्स जो लगातार इनसे मुकाबला कर रहे हैं बेचारे, उन्हें सरकार का गुलाम नहीं होता। टीचर सरकार का गुलाम नहीं होता, उसकी बौद्धिक आजादी। तो जब जिस समाज में इंटेलेक्चुअल लीडर नहीं होगा वो समाज में ज्यादातर डीलर ही होगा, डीलर लीडर नहीं होगा। समाज की उन्नति केवल राजनीति से नहीं होती, समाज की उन्नति के कई कारण होते हैं। विष आया है आपके हिस्से में और अमृत गया है सवर्णों को, खाली पूंजीपतियों को नहीं, ज्यादातर सवर्णों को अमृत गया। अब तो सरकार ने घोषणा कर दी है कि अमृत काल है, इसका मतलब आपको विष ही पीना है, जहर मिलना है, और वो जहर निकालने के लिए आपको तैयार है। हराओ, मुकाबला होगा। सबसे पहले बीजेपी को हराओ, इसने हमें विष दिया है। लीडर्स विश्वविद्यालयों में बनते हैं, यूनिवर्सिटीज में बनते हैं, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब के ही भाषण से आपको सुना। वहां पे भावी पीढ़ी का निर्माण, लेकिन हमारे एजेंडा से, मैं कह रहा हूं हमारे एजेंडा से पूरा अमूमन शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसमें बढ़ते दमन, उसमें बढ़ते अत्याचार कहीं विमर्श में नहीं है। अभी कुछ दिन पहले 7-8 महीने कहां का इंजीनियर था, हाँ बैठे IIT का एक छात्र जो है सुसाइड कर लिया, उनकी डेलीगेशन गई थी अभी मिलने, दरअसल तो लड़की सुसाइड कर ली। कुछ टीचर्स, हमारे जैसे टीचर्स जो लगातार इनसे मुकाबला कर रहे हैं बेचारे, उन्हें सरकार का गुलाम नहीं होता। टीचर सरकार का गुलाम नहीं होता, उसकी बौद्धिक आजादी। हमारे जैसे टीचर को तरह तरह से तंग किया जा रहा है, कुछ नहीं चिंता से घर के सामने बुरा रखवा दो, छुट्टी रोक दो, प्रमोशन रोक दो, महिला के फसा तो सारा मेरे साथ चल रहा है, उसी मीटिंग से भी आ रहा हूं, और मैंने चुनौती स्वीकार की है, किसी केस में फंसा नहीं, मुझे रोका था, हमें धुआं धुआं हो जाता है ना। वैचारिक लड़ाई है, वैचारिक धुआं इतना फैलाऊंगा, जो किताब की जो चर्चा आपने की उस किताब का नाम है धर्मांतरण। तो धुआं हम किताब से निकालेंगे ना, विचारों से निकालेंगे, डरेंगे नहीं। ये बात क्या क्यों, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखा है कि कैंपसेस में जो एट्रोसिटीज बढ़ रही है उसके बारे में लेकर, और अपना केस साइड किया, मैंने माननीय साहब को भेज दिया है, और जो सांसद महोदय यहाँ आए होंगे सड़क पे तो हम लड़ लेंगे, बाकी मंचों पे लड़ लेंगे, कम से कम सांसद को उठाइए, सांसद को उठाइए। सारे बच्चे आपके कितने दबे हुए हैं, जहां से आपके फ्यूचर जनरेशन लीडर तैयार हो ना, डर सामने हूं मां, किस किस तरह के टॉर्चर होते हैं, मादे की नसें जो है ना दबाते हैं रोज, तरह तरह से ह्यूमिलिएट करते, परेशान करते। मैं 26 साल पढ़ा चुका, 30-35 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार, तो अनुभव से कह रहा हूं, मैं तो थोड़ा लड़ाका हूं, तो लड़ो तुम भी, मैं भी लड़ू, मैं इस सब ऐसे लड़ाका नहीं हूं। जो बच्चे आते हैं सिंपल होते हैं, उसकी मादे की नस दबाता रहता है, और इस पॉइंट पर ले जाता है कि उसको जो है ना कुछ दिखता नहीं, उसको साइड कर लेता, हमारे ब्राइट स्कूल। इसलिए मैंने एक अभियान चलाया, कैंपस घेरो अभियान, 10 IIT मेडिकल कॉलेज, 10 यूनिवर्सिटी देश में, आप लोग हजारों की संख्या में घेर दीजिए, ये दमन उत्पीड़न कम हो जाए। इसलिए जरूरी एजेंडा का, पॉलिटिकल एजेंडा का, पा कहते तो 15-20 साल माने साहब राजनीति करेंगे, 30 साल गौतम साहब करेंगे, 30 साल मैं करूंगा, उसका तो आपकी भावी पीढ़ी लीडर्स तैयार ही नहीं हुए, कहां तैयार हुए। जितने साथी बैठे थे बताइए, विश्वविद्यालय में तो खेती होती है लीडर्स की ना, ABVP है, NSUI है, वहां वैचारिक तैयारी होती है, उसके लिए पैसे संसाधन देने की जरूरत है। शायद वो बाबा साहब का एजेंडा था जिसको हम भूल चुके हैं, उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो हमारे साथी जो काम कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं छोटे मोटे, कुछ और काम कर रहे हैं, और रिटायर जब हो जाते हैं तो मौका मिलता है सोशल वर्क करने का, लेकिन रिटायर होने के बाद हमारे लोग सामाजिक राजनीतिक आंदोलन
आगे बढ़ो। इसके लिए नौकर चाहिए, हिस्टोरियन चाहिए, इंटेलेक्चुअल चाहिए, नौजवान 25-30 साल का लड़का चाहिए, उसको नेता बनाइए। हम लोग सब अपने बच्चों को जो है ना एक सरकारी दिहाड़ी मजदूर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अपने बेटे को ना वकील बना रहे, न हिस्टोरियन बना रहे, न इंटेलेक्चुअल बना रहे, न इकोनॉमिस्ट बना रहे, न लीडर बना रहे। तो जब जिस समाज में इंटेलेक्चुअल लीडर नहीं होगा वो समाज में ज्यादातर डीलर ही होगा, डीलर लीडर नहीं होगा। गौतम साहब पूरा भीड़ जाते तो रह जाते, कोई हटाता भी नहीं है, क्या जरूरत, भीड़ जाता तो बस ब्याका होता भी, हम लोग भी खड़े हो जाते। तो मंत्री पद का बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया। ये मंत्री एमएलए विधायक एमपी ये सब बहुत बड़ी चीज नहीं, वो वैचारिक लड़ाई आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ना बेहद जरूरी है। बाबा साहब का एक भाषण है जो कि वैचारिक सभा है, तो मगर बगैर इन्फ्लुएंस से मैं बोलता नहीं। एक भाषण है उसमें से दो पेज 3-4 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि आप सब पढ़ चुके होंगे, मास्टर में एक गंगा बोलने की आदत हो तो बोल सकते। ये जुलाई 1953 मराठवाड़ा के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में भाषण और टाइटल है हमारे कार्यकर्ताओं को चाहिए कि राजनीतिक धार्मिक और आर्थिक समस्याओं का बारीकी से अध्ययन करें। और हमारे पास क्या है, दलील पहली पहली उन्होंने कहा है कि चुनाव ही राजनीति है, ऐसा हमारे कार्यकर्ता मानने लगे। हमारे लोग सबको राजनीति खाली पॉलिटिक्स हो जाए बस हो गया। यह भी माना जा रहा है कि चुनावों के बगैर राजनीति के कोई मायने नहीं, इसलिए चुनावों के समय सभी टिकट पाने की कोशिश में लगे रहते हैं और चुनाव खत्म होते ही सब इत्मीनान से बैठ जाते। लेकिन राजनीति कुल समाज जीवन का एक छोटा सा अंग है। राजनीति यानी सब कुछ नहीं होता, चुनावी राजनीति मतलब सब कुछ नहीं, इट इज नॉट एवरीथिंग। सच पूछो तो ये सामाजिक जीवन का छोटा सा अंग है, कुछ तो राजनीति बचा हुआ अनाज है। समाज की उन्नति केवल राजनीति से नहीं होती, समाज की उन्नति के कई कारण होते हैं, सामाजिक आर्थिक मसले कम महत्वपूर्ण नहीं होते। समाज की सर्वांगीण प्रगति के लिए इन सभी बातों को एक समान ध्यान देना जरूरी है, यह बात कार्यकर्ताओं को समझनी चाहिए। कार्यकर्ता जब राजनीति को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं तब उन्हें लगता है कि चुनाव के समय टिकट पाने के लिए जद्दोजहद करना, टिकट न मिलने पर समाज में फूट डालना, नाराज हो जाना, चुनाव हारने पर निराश होकर घर में बैठ जाना और जीत जाए अगर तो असेंबली में जाकर मुंह सील लेना बंद। जैसे 131 सांसद है, देखते हैं कितने आते हैं, मुंह बंद कर लेना। राजनीति में कितना ही कार्य होता है ऐसा हमारा कार्यकर्ता मानते हैं। इसीलिए टिकट के चक्कर में क्या हुआ है ना, अरे बहुजन हम लोग कह रहे हैं 85% लेकिन कुछ हुआ हुआ नहीं, जो टक्कर होनी चाहिए थी वैचारिक नहीं हुआ, तभी तो पूरा ये हिंदू राष्ट्र होकर कह रहा है। और आजादी के अमृत काल में जो है ना विष आया है आपके हिस्से में और अमृत गया है सवर्णों को, खाली पूंजीपतियों को नहीं गया, ज्यादातर सवर्णों को अमृत गया। कल मैंने आग्रह दिया था विश्वविद्यालय में, तो आपका उसे समुद्र मंथन जब हुआ था तो विष किसको मिला था आपको याद होगा। अब तो सरकार ने घोषणा कर दी है कि अमृत काल है, इसका मतलब आपको विष ही पीना है, जहर मिलना है, और वो जहर निकालने के लिए हम लोग तैयार है, हजार मुकाबला होगा। तो हम लोग का समाज में हुआ है कि टिकट नहीं मिलता है तो दो आदमी मिलकर 3 पार्टी बना देता है, एक अकेले अकेले और एक दोनों मिलकर कॉमन मेंबर बनता है। तो 3 पार्टी बन जाती है तो वोट उतना ही है, सारा वोट बन गया, कम वोट लेके बीजेपी जीत जाती है। तो हमारे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है अभी बात में हम लोग फैसला कर लेंगे क्या होना है, सबसे पहले बीजेपी को हराओ, इसने हमें विश दिया है, हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, आज हम लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कौन लड़ेगा काम है यार, पहले इसको साइड करो और जो एजेंडा बनाओ एजेंडा सेट करो सीधा, जो भी सरकार बने हमारा दलित मैनिफेस्टो
एक उसके पास जाना चाहिए कि हमारे बच्चे की सेफ कैंपस, विदेश पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप, नौकरी सुरक्षित, और अडानी हमारे को जितना माल दिया है सब नेशनलाइजेशन कर हैदराबाद ने लगभग 2 सालों से यह सर्विस चल रही है। वहां 31 अस्पृश्य अनटचेबल्स एमएलए, लेकिन उन्होंने क्या किया? बोला कुछ नहीं, मुंह सिल के बैठा रहा। अगर बोलते हैं कि राजनीति में 3 काम होता है असेंबली में जाकर, हाउस में देयर आर 3 फंक्शंस। 1, असेंबली में प्रस्ताव रखना, बिल रखना और बजट का अध्ययन कर, अध्ययन स्टडी, बजट का अध्ययन कर उस पर बोलना। क्या इनमें से एकाध उम्मीदवार विधायकों ने ऐसी कोई कार्रवाई की? बोला नहीं। तो राजनीति अगर सब कुछ है तब भी आपने कुछ नहीं किया, फेल हो गए, कुछ नहीं तब भी फेल हो गए। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए और कहते हैं, बस एक आध कोई और बोलता हूं, राजनीति हमारे लोग तो तुरंत सफेद कुर्ता पजामा, तुरंत सफेद जूता। मैं जींस शर्ट पहनता, मैं पॉलिटिकल आदमी, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल। तुरंत पॉलिटिक्स पार्टी ज्वाइन नहीं किए कि पूरा ऊपर से नीचे वो मोजा भी उसका जो है ना सब सफेद हो जाता है, और उसी दिन से उसके माथे पर घूमने लगता है कि टिकट मिलेगा, संसद गुंबद में जाकर झंडा फहराएंगे, पूरे अफगानिस्तान तक दूरबीन से देखेंगे ऊपर आने, उसी दिन से सामना शुरू हो जाता। थोड़ा समझिए, राजनीति बहुत ही गंभीर, दुष्कर और मुश्किल काम है। ये पहली बात समझ, सब लोग राजनीति नहीं कर सकते। कार्यकर्ता, मैं कार्यकर्ता समझता हूं, कह रहे बाबा साहब कि अगर कोई राजनीति में आना चाहता है तो पहले उसे राजनीति के बारे में अच्छा अध्ययन करना होगा, पढ़ना। पढ़ाई के बगैर दुनिया में कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। बाबा साहब खुद कोलंबिया और लंदन में नहीं पढ़े रहते तो कुछ नहीं किए रहते, वहां मेजर बने रहते होंगे। हमारे समाज के हरेक कार्यकर्ता को राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक समस्याओं का बारीकी से अध्ययन करना चाहते। जो नेता बनना चाहते हैं उन्हें नेता के कर्तव्य, काम, नेता की जिम्मेदारियों का ध्यान रखना आना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के नेताओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अन्य समाज के नेताओं जैसी हमारी हालत नहीं, वो सभाओं में जाते हैं, माला पहनते हैं, भाषण देते हैं, ताली बजाते हैं, आ जाते हैं। पॉलिटिक्स फॉर अस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट प्रिविलेज। हमारे जाते हैं क्या, एकदम स्कॉर्पियो में बैठ के हवाई जहाज में बैठेंगे, कभी किनार में ठीक से घूमा नहीं। आता है वहां एयर होस्टेस, हेलो सर, यहाँ इंडिया भी मिल जाएगी, हेलो सर, 4 साल तो खाली कनाट प्लेस के बिल्डिंग देखने में लगा है, बोले उसको लगता है राजा बन गए, बोलना तो अलग से लोगों की जिम्मेदारी, बिल्डिंग घूम घूम के देखता है, मिले गया 5 स्टार होटल में, कॉफी पिलाया, खाना खिलाया, मस्त बोला, यही तो उसको जनरल बोलने की क्या जरूरत, नहीं तो अभी चुनाव में देखता काम करेगा टिकट। अरे वैसी टिकट आया जाए नहीं है कोई बात नहीं, बोलते रहो, कोई ना कोई तो नेता बनेगा जिसका समाज जिंदा रहता है, नेता अपने आप का हम लोग नेता से व्यक्तिगत काम के लिए नहीं जाते, सामूहिक काम एजेंडा के लिए जाते, तो नेता पे दबाव बनाना जरूरी। एक पॉइंट और बोलता हूं, खत्म करता हूं। आखिरी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, कह रहे कि आपको लगता है नेता बनना बहुत आसान है, लेकिन मेरी मानो तो नेता बनना बहुत कठिन काम है। खुद मुझे नेता होना बहुत मुश्किल काम लगता है। मेरा नेता होना दूसरों की तरह नहीं है। जब मैंने आंदोलन छेड़ा तब किसी भी तरह का संगठन नहीं था, खुद मुझे ही सभी काम करने पड़ते। संगठन करना था मुझे ही, अखबार शुरू करना था तो मुझे ही, इसलिए मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता आदि अखबार मुझे चलाने पड़े।
प्रेस चलानी थी, खुद मुझे प्रेस की सारी तैयारी करनी पड़ी। संक्षेप में मुझे हर बात संदेश निर्माण करना पड़ा जीरो से। जो हुआ ना वो सब परिपूर्ण है ऐसा नहीं कह रहा, मेरा कहना तो यह है कि जो हुआ उसका सतांश भी नहीं, और अधिक काम करने की जरूरत है, और यह एक वृक्ष हमने लगाया है जिसको सींचने की जरूरत, वृक्ष लगाया जिसको सींचने की जरूरत। हमारे न प्रेस है, बड़े बड़े पार्टी अभी तो मैं कह रहा हूं बड़े बड़े लीडर को न प्रेस है, यूट्यूब लगा रहा है इसका, वो बेचारा कुछ पैसा दे दिया खाना भी खिला देगा, ऐसा जरूरत ये इंडस्ट्री में क्या नहीं न प्रेस है, न्यूज़पेपर है, इंटेलेक्चुअल काम नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, पैसे कमा के पता नहीं कहां कहां छुपा हुआ एटीसी जाके डर से छुपे डालना, तो क्या कीजिएगा कैसे नेता बनेगा, तब तो लीडर नहीं डीलर नहीं मिलेगा पैकेज। तो चलते चलते आखिरी बात, लोगों में जागरूकता पैदा करना, उनका संगठन खड़ा करना बेहद महत्वपूर्ण काम है। हर नेता को यह काम करना होगा। आजकल फेसबुक ट्विटर पे चल जाता है कैरम बोर्ड की तरह आंदोलन का, सड़क पे कौन नेता बना, कौन संसद घेर रहा है, कौन विधानसभा घेर रहा है, कुछ नहीं, खाली सब गुलाम समझ लिया है, इस जात का इतना वोट है खड़ा कर दो, बार्गेनिंग करो, सेटिंग करो, चार सीट लो, उसमें एक को मंत्री बना लो, बेटा को फूफा को दामाद को जितने रिश्तेदार है उसको आस पास घुमा लो, उसके जात का लोग गुलाम तो है, जब तक गुलाम रहो तो ऐसा ही नेता आपको डिजर्व करना पड़ेगा, फिर बाबा साहब जैसा नेता आपको कहां से, और वो विजय हो गए तो पता नहीं दुनिया में कितना प्रॉपर्टी खरीद लिया, क्या नहीं मिला। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत धैर्य होना जरूरी है, जिसमें धैर्य नहीं होता वो नेता नहीं बन सकता। जो आदमी मरने के लिए तैयार है वो कभी नहीं मरता, और जो मरने से डरता है वो पहले से ही बड़ा हुआ होता है। देश के हिंदू नोट कीजिएगा, कम से कम मैं तो ये कहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू और तमाम उस समय के कैबिनेट यूरोप यूरोप से पढ़े हुए थे, थोड़ा डेमोक्रेसी लिबरल वैल्यूज में विश्वास करते थे, एक अच्छा संविधान करवाया, लागू करवाया, बहुत सारे प्रोविजंस की, सब कुछ गलत नदी नहीं बह रही थी, आप डुबकी लगा रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ, पब्लिक सेक्टर बने, यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल बने, जवाहरलाल नेहरू स्कूल सेंट्रल स्कूल बने, जिसमें हम लोग को थोड़ा सा काम करने का पढ़ने लिखने का मौका मिला। ये सरकार सबको बेच रही है, कह रही अमृत काल तो सही तो कह रही, बेच दे कि आपके पास नौकरी करने वाले लोग नहीं होंगे, तुम्हारे साथ वो चलना को मिडिल क्लास ही नहीं। इस देश के हिंदुओं में बहुत तकलीफ देंगे, हमारी राह निकली रोड़े पैदा करें, लेकिन जो भी हो हमने जो राह अपनाई है जिसे हम इंसानियत कहते हैं उसे पाने की कोशिश हमें नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए हमारे हर कार्यकर्ता का धैर्यवान होना जरूरी है, हमें ध्यान में रखना होगा कि सम्मानजनक व्यवहार करना हमारा परम कर्तव्य, कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी व्यक्ति से प्यार नहीं करता, मैं काम से प्यार करता हूं, बाबा साहब की राय की काम से प्यार करता हूं, और कह रहे हैं कि संगठन आपसी मतभेद बुलाइए, लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, दो आदमी मिलकर तीन पार्टी नहीं बनाई, नहीं तो अमृत अमृत कह रहे हैं पूरा जहर ही निकले वाला, हम लोग तो लड़ के निकल ले। तो जो बात बाबा साहब कह रहे हैं ये सिर्फ ताली नहीं बजाने की जरूरत है, वीडियो सारे यूट्यूब में लग जाएंगे, उसको सब सुनिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सुनिए रात के ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पिताजी बाई चांस तो नहीं थे, मेरे दादा दादी मजदूर, मेरे पिताजी ऑफिस में क्लर्क थे, उसी घर से निकला हुआ गांव में पढ़ के आया हुआ दिल्ली में आकर थोड़ा उदाहरण होता, तो आपके घर में भी बाबा साहब हो सकते हैं, फूले हो सकते हैं, सावजी महाराज हो सकते हैं, जरूरत है उसको सींचने, सिर्फ बाबू बनाइएगा तो फिर बाबा साहब नहीं मिले। धन्यवाद, शुक्रिया।